हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एकर स्क्वायर डिज़ाइन। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसमें मैंने लिए हैं 4 कलर। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैंने इसमें ये पट्टियाँ डाली हैं अलग अलग, आप चाहें तो एक ही कलर से भी बना सकते हैं। तो ये फंदे मैंने 3 के मल्टीपल में लिए हैं। मैंने 24 फंदे लिए हैं, 24 फंदे लिए हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 4 के मल्टीपल्स में भी फंदे ले सकते हैं। जैसे अगर आप लेते हैं 44 फंदे तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका एक बड़ा पायदान बनके तैयार हो जाएगा। तो अगर आप साड़ी से बना रहे हैं तो 44 तक आप फंदे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सबसे पहले जो कलर लिया है वो लिया है मजेंटा कलर। तो इस रानी कलर से मैं इसमें फंदे डालने जा रही हूँ और मैंने कम से कम 24 फंदे इसमें लिए हैं और 3 के मल्टीपल में लिए हैं। तो अगर आप साड़ी या उससे बना रहे हैं, साड़ी या चुन्नी से बना रहे हैं या कोई दुपट्टे से बना रहे हैं तो, या कोई और कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें 40 फंदे तक ले सकते हैं। उसमें एक अच्छा बड़ा पायदान बन के तैयार हो जाएगा। तो फंदे डालना मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, तो इस वीडियो में भी आपको इस तरह से फंदे डालने हैं। ये देखिए, आपको इस तरह से फंदे डालने हैं और कम से कम 24 फंदे आपको डाल लेने हैं। तो मैंने 24 फंदे यहाँ पर ले लिए हैं और जो 24 नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये 24 फंदे मेरे पूरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो इसमें मुझे देखिए, एक सिलाई जब हमने फंदे डाले थे तो एक सिलाई हमारी लगभग पूरी हो गई थी। तो अब मैं ये दूसरी सिलाई बुनने जा रही हूँ। तो दूसरी सिलाई पे भी आपको कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना ना ही घटाना है, आपको ऐसे ही ये बुनते हुए चले जाना, यानी कि 24 फंदे आपको ऐसे ही बुनने हैं। तो मैं जल्दी से थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ वीडियो को। जब आप फंदे डालोगे तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइट फंदे नहीं डालने हैं। अगर आप टाइट फंदे डाल दोगे तो आपको बुनने में दिक्कत आएगी, तो आपको जो फंदे हैं वो लूज़ ही रखने हैं। तो अगर आप साड़ी से बनाना चाह रहे हैं ये डोरमेट, तो आप उसमें 6 नंबर की सिलाई का यूज़ करें। अगर आप वूल से बना रहे हैं, ऊन से बना रहे हैं या किसी और थ्रेड से बना रहे हैं, तो इसके लिए आप 11 नंबर की सिलाई का यूज़ करें। तो मैं इसमें 11 नंबर की जो सिलाई है उसका यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, मेरी जो लगभग दूसरी सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से मुझे तीसरी सिलाई कंप्लीट करनी है और इस तरह से मुझे 6 सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो 6 सिलाई आपको इसी तरह से बुननी है। पहला फंदा हम उतार लेंगे। पहला फंदा उतारने के बाद धागे को आपको आगे लाना है, क्योंकि हमें जो आगे इसमें डिज़ाइन बनाना है वो चेन में से फंदे उठाकर बनाएंगे, और वो जो चेन है वो इसी तरह से बन के आएगी जब आप पहला फंदा उतार लोगे और धागे को आगे कर लोगे। लगभग हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। तो देखिए, पहला फंदा हमने उतार लिया और धागे को आगे कर लिया, तो इससे एक बहुत खूबसूरत सी चेन बन के आ जाएगी और आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से बनाएं, कुछ भी चेंज ना करें। तो जो चेन है उसका हमें आगे यूज़ करना है।
एक सिलाई और निकालनी है और हमारी जो छह सिलाई हैं वो पूरी हो जाएंगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी जो छह सिलाई हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जब आप छह सिलाई बुन लोगे तो इसमें हमें दूसरा कलर ऐड करना है, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम करना है। हमें हर बार तीन तीन फंदे कम करते हुए चले जाना है। तो तीन फंदे कम करेंगे तो जब आप पहला फंदा घटाएंगे तो आपको सेम कलर से ही घटाना है, इसको इसमें वापस डालना सिलाई में, और दूसरा फंदा भी हम घटा देंगे सेम कलर से। लेकिन जब आप तीसरा फंदा घटाओगे तो उससे उसमें हमें वो वाला कलर लेना है जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें मैं ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ, सॉरी ये वाला कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये तीसरा फंदा है इस रंग से घटाया, तो हमें इसके धागों को छुपाना है। तो इस तरह से हम धागों को छुपा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें छुपाते हुए चलना है। और तीन फंदे हमारे कम हो चुके हैं, अब रह गए हमारे 21 फंदे। तो आपको हर छः सिलाई के बाद तीन तीन फंदे घटाते हुए जाना है। तो इस कंप्लीट सिलाई को हम बुन लेते हैं, पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए हमारी पहली सिलाई ख़त्म हो गई है। अब हम आ गए हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ आपको कोई फंदा नहीं घटाना है ना ही बढ़ाना है। तो यहाँ से हम छः सिलाई निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने छः सिलाई निकाल ली है और आप देख भी सकते हैं। ये देखिए एक दो तीन, एक दो तीन। तो ये डिज़ाइन जब बनेगा, जब आप छः सिलाई निकाल लोगे तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब वापस से हमें तीन फंदे घटाने हैं, तो दो फंदे हम सेम कलर से घटाएंगे। और तीसरा फंदा हम उस कलर से घटाएंगे जो हमें वापस से ऐड करना है। तो इसमें मैंने रानी कलर ले लिया है, तीसरा फंदा मैंने उसे घटा लिया और बाकी के फंदे भी मैं इसी रंग से बुन लूँगी। तो इसी तरह से आपको छः छः सिलाई निकालनी है, और जब छः सिलाई आप निकाल लोगे उसके बाद आपको तीन फंदे घटाने हैं। तो इस डिज़ाइन में कुछ भी मुश्किल नहीं आती है, क्योंकि जहाँ से फंदे घटाने हैं वो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा। एक तरफ से इस तरह से सीधा आएगा और यहाँ से हमारे फंदे घटते हुए चले जाएंगे। तो तीन तीन करके जब हम फंदे घटा लेंगे, ये देखिए तीन तीन करके जब हम फंदे घटा लेंगे तो हमारे पास लास्ट में तीन फंदे ही बचेंगे बुनने के लिए। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, तीन तीन फंदे मैंने घटा लिए हैं और लास्ट में हमारे पास बचे हैं तीन फंदे। तो इनको भी हमें घटाना है और मैं इसको भी घटा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें घटाना है इसमें। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर। तो ये देखिए जो तीसरा फंदा हमें घटाना है वो हमें दूसरे कलर से यहाँ पर एक छोटी सी नॉट लगा देंगे ताकि वो निकले ना। ये देखिए एक तरफ से बिल्कुल सीधा आएगा और एक तरफ से इस तरह से जो सीढ़ियाँ हैं वो बनती हुई चली जाएंगी। तो हमारा एक डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया। तो यहाँ पर एक छोटा सा नॉट आपको लगाना है ताकि ये धागा निकल ना जाए। ये देखिए पहला फंदा जब हम उतारते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये खूबसूरत सी चेन बनके तैयार हो जाती है, और इस चेन में से हमें फंदे उठाने हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए जो सीधी तरफ चेन की जो साइड है वहाँ से हम फंदे उठाएंगे। ये देखिए चेन में दूसरी तरफ से आपको फंदा लेना है। ये देखिए हमें उस तरफ से फंदा उठाना है, इस तरफ से नहीं लेना है क्योंकि उल्टी साइड आ जाएगा। इस तरह से एक एक फंदा हम उठाते हुए चले जाएंगे। हमें कोशिश करनी है कि 24 फंदे ही हम उठाएँ, लेकिन अगर
फंदे ज़्यादा भी उठ जाते हैं या कम उठाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम बीच में फंदा अगर कम उठाए हैं तो बढ़ा सकते हैं, और अगर फंदे ज़्यादा उठा लिए हैं तो हम उन्हें कम कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी चेन में से मैं एक एक फंदा इसी तरह से उठा लूँगी। ये देखिए, ये पूरी चेन में से हमें फंदे उठा लेने हैं पूरी चेन में से। ये देखिए, मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं, और अब मैं इसे काउंट करके देख लेती हूँ कि मैंने कितने फंदे उठा लिए हैं। तो अगर ज़्यादा होंगे तो मैं उसे कम कर लूँगी, और अगर कम होंगे तो मैं उसे बढ़ा लूँगी, लेकिन हमें 24 फंदे ही लेने हैं। तो ये मेरे हैं 26 फंदे, तो मेरे 24 से मतलब दो ज़्यादा फंदे मैंने उठा लिए हैं, तो बीच में से मैं दो फंदों को कहीं पे भी घटा दूंगी। तो मुझे 24 फंदे ही रखने हैं अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमें 24 फंदे ही चाहिए। तो पहला फंदा हम बुन लेते हैं इसमें, और ये दो फंदों को मैंने एक साथ बुन लिया। अब मेरे पास रह गए हैं 25 फंदे, और बीच में भी इसी तरह से मैं दो फंदों को एक साथ बुन लूँगी, तो मेरे दो फंदे घट जाएँगे और मेरे पास 24 फंदे ही रह जाएँगे। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जो दो फंदे हमने बहुत नज़दीक से उठा लिए हैं, हमें सिर्फ वहीं पर घटाना है। तो जब आप बुनाई करोगे तो ये हमें आइडिया आ जाता है कि हमें कहाँ से फंदे बढ़ाने हैं, कहाँ से फंदे हमें घटाने हैं। ये देखिए, एक फंदा मैंने यहाँ पे घटा लिया, क्योंकि ये बहुत मैंने नज़दीक नज़दीक उठा लिए थे। तो एक फंदा मैंने पहले घटा दिया था, एक अब घटा दिया। अब मेरे पास रह गए हैं 24 फंदे, और इन 24 फंदों से ही मुझे डिज़ाइन अपना कंप्लीट करना है। तो जैसे आपने ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट किया है, आपको बिल्कुल वैसे ही इसे भी कंप्लीट करना है। 6 सिलाई निकालने के बाद आपको 3-3 फंदे घटाने हैं। तो इसमें मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, बेबी पिंक मैंने यूज़ किया। ये देखिए, मैंने दूसरी तरफ का भी जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लिया है। लगभग आधा डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास फिर से एक चेन आ गई है, और इस चेन में से भी हम फंदे उठा लेंगे। तो जैसे हमने पहले वाली चेन में से फंदे उठाए थे, वैसे ही इस चेन में से भी मुझे फंदे उठाने हैं। तो चेन का जो दूसरी तरफ का हिस्सा है, हमें वहाँ से फंदे उठाने हैं। ये देखिए, ये वाला फंदा हम उठाएंगे यहाँ से। अगर आप इस तरफ से उठा लोगे तो वो उल्टा बन जाएगा डिज़ाइन। तो इस तरह से मैं यहाँ पर देखो कौन सा कलर यूज़ कर रही हूँ। हमने जहाँ से बुनाई शुरू करी थी तो मैंने रानी कलर यूज़ किया था, और वापस से रानी कलर से ही मैं फंदे उठा लूँगी। ये देखिए, दूसरी सिलाई की हेल्प से आप फंदे उठाते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पे भी हमें 24 फंदे ही उठाने हैं, क्योंकि जो पूरा डिज़ाइन है वो 24 फंदों में ही बनाया हुआ है। अगर आप साड़ी से बनाना चाहते हैं तो आप 40 फंदे तक ले सकते हैं, तो आपके पास एक जो बड़ा डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप 40 फंदे ले रहे हैं तो आपको 4-4 फंदे घटाने होंगे, क्योंकि अगर 4 के मल्टीपल्स में ले रहे हो तो 4-4 फंदे घटाने हैं, अगर 3 के मल्टीपल्स में ले रहे हो तो 3-3 फंदे हमें घटाने हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी चेन में मैं यहाँ तक फंदे उठा लूँगी, जहाँ तक ये ब्लू कलर मुझे नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। जब आपका तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें चेन में से ही फंदे उठाने हैं, और फोर्थ पार्ट भी हमें बनाना है। तो यहाँ से जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से उल्टा करके हम यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे। तो धागे से आपको स्टिच कर लेना है, थोड़ा खींच के हम इसको स्टिच कर लेंगे ताकि छोटा बड़ा ना रह जाए।
तो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ जब मैं स्टिच कर लूँगी इसे। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, बहुत हल्के धागे से मैंने स्टिच किया है क्योंकि ये जो वूल है मुझे वापस से डिज़ाइन बनाने में यूज़ करनी है, तो इसलिए मैंने बहुत हल्के हाथ से स्टिच किया है इसे। तो आप थोड़ा सा टाइटली इसको स्टिच करें ताकि जो धागे हैं वो नज़र ना आए सीधी तरह। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली देती हूँ सभी को। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।